सति श्री अकाल दा खालिस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइंस दे नाल मैं पुनीत कौर। अज दियां खास खबरां शुरू करन तो पहला पेश है अज दा खालिस विचार। जिंदगी लंबी होण दी बजाए चंगी होनी चाहीदी है। हुण पेश ने अज दियां खास खबरां। द खालिस टीवी वालों आप सब नू खालसा साजना दिवस अते विसाखी दियां लख लख मुबारकां। तलवंडी साबो विखे मनाया जा रहा है खालसा साजना दिवस दा समागम। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने मुड़ लिया सुरक्षा दा जायजा। तीन दिनां दे विच दो वार तलवंडी साबो पहुंचे ने डीजीपी गौरव यादव। डीजीपी दे नाल कई एसएसपी भी सन। मौजूद अधिकारियां दे नाल कीती बैठक। श्री अकाल तख्त साहिब जी दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगत नूं दित्ता संदेश। संगत नूं बेखौफ हो के श्री दमदमा साहिब विखे पहुंचण लई कहा। खराबे तों 20 दिनां दे अंदर मुआवजा मिलना शुरू। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पीड़ित किसानां नूं वंडे मुआवजे दी राशि दे चैक। कांग्रेस दी उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी ने भरे नामजदगी पत्र। जलंधर विच नामजदगी दौरान इकट्ठे दिखे सारे वड्डे कांग्रेसी लीडर। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन च एक होर जवान दी होई मौत। गलती नाल चली अपनी राइफल। मामले दी जांच कर रही है पुलिस। मामले दी कीती जा रही है जांच। पंजाब दे मशहूर गायक मनकीरत औलख दी 3 बाइक सवारा वालों कीती गई रेकी। पुलिस कर रही है जांच। यूपी दे बाहुबली नेता अतीक अहमद दे पुत्र असद दा यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करन दा कीता है दावा। बीबीसी इंडिया दे खिलाफ हुन ईडी ने कसिया शिकंजा। FEMA दे नियमां दी उल्लंघना करन दे दोषां विच ईडी ने अदारे खिलाफ दर्ज कीता मामला। साबका मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा नूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तों मिली वड्डी राहत। गुलमोहर टाउनशिप मामले विच हाईकोर्ट ने अरोड़ा नूं दित्ती अगाऊं जमानत। पंजाब सरकार ने किए वड्डे प्रशासनिक फेरबदल। 12 सीनियर IAS अधिकारियों के किए ने तबादले। कैनेडा विच एक पंजाबी नौजवान की सड़क हादसे विच हुई मौत। 1.5 साल पहला ही गया सी स्टडी वीजा ते कैनेडा। देश विच कोरोना दे 1158 नवे मामले आए सामने। 8 महीनों च ने सब तो वध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाले बाग साके दे शहीदां नूं दित्ती श्रद्धांजलि। न्यायपालिका खिलाफ टिप्पणी करन वाला ललित मोदी बगैर शर्त मंगे माफी। सुप्रीम कोर्ट ने दित्ते निर्देश। कर्नाटक च मुसलमानां नूं 4% राखवांकरण खत्म करने खिलाफ पटीशन सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। एलन मस्क ने बीबीसी दे टैग नूं पब्लिकली फंडेड मीडिया विच बदलिया। हेडलाइंस वेखण वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।